सो गाइस, इस बारिश के मौसम में बनाए क्रिस्पी स्नैक्स चाय के साथ नमक पारे। वेलकम टू अवर चैनल कुकिंग विद कोर में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैंने आटे के नमक पारे बनाए हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और देख सकते हो कितने क्रिस्पी बने हैं। सो गाइज, हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना भी लेना हो, जितनी क्वांटिटी में लेना हो। मैंने तो यहाँ 2 कप ही लिए हैं। सो गाइज, यहाँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, 1 बड़ा टेबलस्पून लिया है मैंने नमक का, और आधा टेबलस्पून मैंने अजवाइन ली है। इसको ऐसे रगड़ कर डालें, कई बार इसमें छोटे छोटे कंकर होते हैं तो पता चल जाता है कि ऐसे इसको रब करके आप डाल सकते हैं। और आगे मैंने 2 से 3 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, और आप इसको ऐसे तरीके से डाल सकते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अभी हम इसमें पानी डालेंगे एज रिक्वायर्ड, जितना भी पानी लगेगा आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और डो को तैयार करते जाएं फ्रेंड्स। इसको इस तरीके से आप डो को रेडी करना है। अभी हमने डो को 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे ढककर रख देना है। 20 मिनट के बाद चेक कर देखेंगे, डो हमारा बहुत ही सॉफ्ट रेडी होगा। अभी 20 मिनट हो गए हैं, तो डो को देख लेते हैं। इधर मैंने थोड़ा सा
ऑयल अपने हाथों को स्प्रेड किया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डो हमारा कितना सॉफ्ट है। अब हम इस तरीके से इसके बॉल बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितना क्वांटिटी में आटा लिया है और इसके बॉल बनाएंगे ऐसे करके। आप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी हम एक चपाती की तरह इसको बेलना है और बढ़ाते जाना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑयल लगाना मत भूलना फ्रेंड्स। ऑयल से ही हमारे लेयर्ड बन के आएंगे और अच्छे से क्रिस्पी और सॉफ्ट भी बनेंगे हमारे नमक पारे। अगर आप देसी घी लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस पे लगा सकते हो। आप देख सकते हो तेल लगाने के बाद मैंने इसको कैसे फोल्ड किया है। आप भी इस तरीके से ही फोल्ड कीजिए। देन मैंने इसको फिर से बेलना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें। अगेन हमने फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल को स्प्रेड करना है और उसी तरीके से इसको फिर हम उसी शेप में बनाएंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं। आपको फ्रेंड इस तरीके से ही आपको बेलना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको बेल रही हूँ, एकदम लंबा लंबा सा। अब हम फ्रेंड इसको पिज़्ज़ा कटर या चाकू की मदद से इसके हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीस बना लेंगे। आप देख सकते हो। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है, चाकू तो हर घर में अवेलेबल ही रहता है, आप उसके साथ ही इसके छोटे छोटे ऐसे पीस बना सकते हो जो कि हम इसको फ्राई करेंगे। अभी तेल मैंने अपने पैन में डाल दिया है।
गर्म होने के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म है या भी नहीं। सो गाइज, आप देख सकते हो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम अपने नमक पारे फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसको डीपली फ्राई करना है और लो फ्लेम पे फ्राई करना है। सो गाइज़, आप देख सकते हो अभी हमारे नमक पारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी बने हैं और कलर भी कितना अच्छा आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया है। आप इस तरीके से ही फ्राई कर सकते हैं और फ्लेम को ज़्यादा मत करना। फ्लेम ज़्यादा करने से हमारे नमक पारे बीच में से कच्चे रह जाते हैं और ऊपर में से पक जाते हैं, इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अभी हमारे नमक पारे किस तरीके से बनकर रेडी हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी थे सच में। आप देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ा सा एक चिल्ली पाउडर भी ऐड किया था, आपने डालना है तो डाल सकते। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो कि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नई वीडियो में।